नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज जो हमारे सामने गाड़ी है ये है महिंद्रा बुलेरो नियो। ये वेरिएंट जो है आपका N8 वेरिएंट आ जाता है, जो कि टॉप सेकंड वेरिएंट आ जाएगा। तो लुक आप लोग देख सकते हैं गाड़ी का, बहुत ही प्यारा मिलता है और गाड़ी का जो डिज़ाइन है बहुत ही आपको स्पोर्टी लुक में दिया जाता है। तो लुक आप लोग देख पा रहे होंगे, बहुत ही इस तरीके का आपको लुक जो है देखने को मिल जाता है गाड़ी का। स्पोर्टी लुक में गाड़ी आती है और टॉप सेलिंग कार में से एक है महिंद्रा की ये बुलेरो नियो। तो यहाँ पर लुक जो देख पा रहे होंगे, सबसे पहले आता है इसमें क्रोम फिनिश में न्यू लोगो आ जाता है महिंद्रा का, ये देख सकते हैं। और अब आती है गाड़ी की प्राइस की बात, तो इसकी जो प्राइस है ऑन रोड आपको मिल जाएगी 11,28,000 ऑन रोड प्राइस मिल जाती है। ये VC मोटर्स अकबरपुर में आपको मिल जाएगी, तो यहाँ आकर आप लोग विजिट कर सकते हैं, इंक्वायरी भी ले सकते हैं। तो ये मिलेगा टोटल गाड़ी आपको 5 कलर ऑप्शन में मिल जाती है। और इसमें जो इंजन मिलेगा आपको 1493 CC का इंजन मिलता है, जो कि 100 BHP की पावर को जनरेट करता है। तो ये पूरा लुक मिल जाएगा और इसमें माइलेज है वो भी आपको बहुत अच्छा 17 किलोमीटर का पर लीटर का माइलेज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो फीचर्स हम लोग जानेंगे, क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं गाड़ी में, वो हम सारे देखने वाले हैं। तो वीडियो का एंड तक देखते रहिएगा, जिससे कि हर फीचर्स आपको यहाँ पर पता लग सके। तो सबसे पहले आता है यहाँ पर बोनट का डिजाइन, तो प्लेन में आपको बोनट मिलेगा, हल्का सा यहाँ पर कर्व आपको बोथ साइड में ये चीज़ देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर हेडलैम्प्स आता है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा हेलोजन में हेडलैम्प्स मिलता है, और इस जगह आपको मिल जाता है एक लो बीम का बल्ब, और यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा। ये आएगा पूरा लुक यहाँ पर। और ये आता है सामने जो आपको ग्रिल देखने को मिलती है, ग्रे फिनिश शाइनिंग आपको यहाँ पर ये ग्रिल में मिलता है, ये मिल जाएगा पूरा यहाँ पे स्ट्रिप से मिल जाती हैं ये। और यहाँ पर आपको ग्रिल मिल जाएगी ये ब्लैक कलर की। और इस जगह जो आता है यहाँ पे बम्पर का लुक, तो ये भी आपको हनीकॉम डिज़ाइन में ब्लैक कलर का मिल जाता है, यहाँ पर आपकी नंबर प्लेट आती है। और इसमें गाड़ी में जो ग्राउंड क्लियरेंस है, तो 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस में आपको मिल जाएगा। और इस जगह आप जो फॉग लैंप का ऑप्शन है यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो ये आता है पूरा लुक गाड़ी का देख सकते हैं, और ये डिज़ाइन है ये आपको देखने को यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर आएगा जो प्रोफाइल है पूरा देखने को मिलता है इस तरीके का। और यहाँ पर जो साइड लुक है देख सकते हैं, ब्लैक कलर की जो स्ट्रिप्स है ये आपको मिल जाती है, जो कि इसको स्पोर्टी लुक देती है। और यहाँ पर जो ORVM आते हैं ये आपके बॉडी कलर में आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पर ब्लैक का भी कॉम्बिनेशन मिलता है। जो टर्न इंडिकेटर हैं साइड में आपको बहुत साइड में देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे व्हील देख सकते हैं, तो व्हील का लुक जो है इस तरीके का मिल जाता है। और व्हील साइज की अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको R15 inches के व्हील आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं गाड़ी में, ये आएगा। और साइड में भी देख सकते हैं, तो यहाँ पे ब्लैक कलर की आपको क्लैडिंग देखने को मिल जाएगी छोटी सी, ये देख सकते हैं। तो ये ब्लैक कलर का जो क्लैडिंग का वर्क है आपको मिल जाता है। यहाँ पे देखिए फुटरेस्ट वगैरह जो है आप लोग एक्सटर्नली एसेसरीज में ऐड करवा सकते हैं, ये मिलेगा लुक। और यहाँ पे जो डोर हैंडल है ये आपको ब्लैक कलर में यहाँ पर मिलते हैं, ये भी आपको ये सारा लुक है पूरा यहाँ पर देखने मिलता है ब्लैक कलर में। और इस जगह आता है फ्यूल टैंक का ऑप्शन, रेक्टेंगल सेप डिज़ाइन है, काफ़ी बड़ा इसमें दिया जाता है, और 50 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको इसमें मिल जाती है गाड़ी में। तो ये पूरा लुक आपको देखने को मिलता है। बैक का जो ग्लास है ये आपको इस तरीके का बड़ा सा ये आपको देखने को मिलता है पूरा। और यहाँ पे जाती है रियर प्रोफाइल, तो रियर प्रोफाइल आप लोग देख सकते हैं इस तरीके की आपको यहाँ पर मिल जाती है, ये डिज़ाइन मिलता है। और यहाँ पर गाड़ी की कीज़ आप लोग देख सकते हैं, दो आपको कीज़ मिल जाती है, एक आपको पावर की मिलती है, एक आपको ये मैनुअल की मिल जाएगी जो कि फ़िलिप की होगी। तो यहाँ पर आपको 3 बटन आपको इसमें मिल जाएंगे, एक मिलता है लॉक का, अनलॉक का, एक ये आपको लाइट्स ओपनिंग का बटन आपको यहाँ पर मिल जाता है देखने को। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कीज़ में। और यहाँ पर जो रियर प्रोफाइल है आप लोग देख सकते हैं इस तरीके का। यहाँ पर टेल लैम्प आता है रेड कलर का, आपको ब्लिंक होती है, स्टॉप लाइट, यहाँ पर रिवर्स पार्किंग लाइट है, टर्न इंडिकेटर आपको मिलता है। और बैक में बुलेरो नियो की है आपको यहाँ पर मिल जाती है बैजिंग, ये इस तरीके की मिलेगी। बैक में आपको डिफॉगर्स यहाँ पर मिल जाते हैं, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प यहाँ पर बड़ी सी आपको देखने को मिल जाती है। ये आएगा पूरा लुक देखने पर देख सकते हैं, ब्लैक कलर का आपको डोर हैंडल यहाँ पर मिलता है। और यहाँ पर देखिए बैक में आपको मिल जाते हैं रिफ्लेक्टर, ये मिलेगा, और दो रिवर्स पार्किंग के सेंसर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और इसमें जो आता है वेरिएंट, तो देख सकते हैं N8 वेरिएंट ये आपका गाड़ी का आ जाता है। तो ये पूरा लुक आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर डिज़ाइन मिलता है। और यहाँ पे बैक में देख सकते हैं, तो ये आपको यहाँ पे स्पॉइलर एक छोटा सा आपको ऐड किया जाता है, जो कि इसके लुक को इन्हेंस कर देता है। और अभी हम लोग चलेंगे गाड़ी के अंदर और जानेंगे इंटीरियर में फ़ीचर्स क्या क्या देखने को मिल जाते हैं, वो सारे हम लोग देखेंगे। तो डोर को ओपन करते हैं हम लोग, और देख सकते हैं ये डोर आएगा पूरा लुक। और डोर देख सकते हैं पीच कलर में पूरा आपको यहाँ पे वर्क मिलता है, यहाँ पे ग्रैब हैंडल ब्लैक कलर का मिलता है, और ये आपको अनलॉक के बटन इस तरीके की मिल जाएगी। तो ये आएगा पूरा लुक। यहाँ पे जो ORVM है मैनुअली एडजस्टेबल आपको मिलते हैं, यहाँ पर बॉटल स्टोरेज आपको मिल जाता है, ये पूरा मिलता है, स्पीकर यहाँ पर मिलता है, और जो ट्विटर है वो यहाँ पर साइड में आपको मिलेंगे। और जो इंटीरियर का लुक है, तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके का इंटीरियर का लुक आपको पूरा मिलता है। सीट्स हैं ये आपको अच्छी सीट्स मिल जाती है। चलते हैं हम लोग गाड़ी के अंदर और बैठ के देखते हैं हम लोग को फीचर्स क्या क्या देखने को मिल जाते हैं। तो ये आता है आपका स्टेयरिंग का लुक, यहाँ से देख सकते हैं इस तरीके का मिलेगा, ब्लैक फिनिश में आपको मिल जाता है ये पूरा लुक।
और यहाँ पर आपको जो मिलेगा न्यू क्रोम फिनिश में महिंद्रा का लोगो। और इस जगह देखिए आपके वॉल्यूम के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, कॉल कनेक्ट डिसकनेक्ट फीचर मिल जाता है, SRC फीचर भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, म्यूट का बटन मिलता है। और स्टेयरिंग में यहाँ पर आपको देखिए सिल्वर फिनिश आपको मिल जाएगा, ये लुक मिलेगा। और यहाँ पर जो आता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का लुक, तो ये आपको मिल जाएगा लेफ्ट साइड में RPM, यहाँ पर आपको MID मिल जाती है, राइट साइड में 180 किलोमीटर की मैक्सिमम स्पीड मिल जाएगी। दो यहाँ पर देखिए MID रीसेट के जो बटन है आपको मिल जाते हैं, इनसे आप लोग ट्रिप डिस्टेंस किलोमीटर जो भी है वो आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पे टायर प्रेशर वगैरह सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो ये आपका आता है पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का लुक। और जो यहाँ पर AC के वेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मिल जाएगा राइट साइड में, इस तरीके का मिलता है लुक पूरा। और यहाँ पे सिल्वर फिनिश आपको साइड में देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर जो डिज़ाइन है ये आपको थोड़ा टेक्चर में दिया जाता है। और ये जो आता है इसका डैशबोर्ड, तो ये आप देख सकते हैं छोटा सा डैशबोर्ड आपको यहाँ पर मिलता है, इस जगह आपको मिल जाता है स्टोरेज, यहाँ पर अच्छा खासा ग्रिप आपको यहाँ पर मिलता है। और जो मेन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इस तरीके का, ये आता है पूरा सिल्वर फिनिश आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ये पूरा लुक मिलता है। और जो AC वेंट्स है, तो ये आपको इस तरीके के देखने को मिल जाते हैं। और जो साइड में भी आपको है ये सिल्वर फिनिश आपको यहाँ पर शाइनिंग में मिल जाता है। ये आती है छोटी सी डिजिटल स्क्रीन, जिसमें आपको रेडियो की इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह जो डिटेल्स हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको बटन्स मिल जाते हैं, कंट्रोल मिल जाएंगे, इसके सेटअप, टेलीफोन और इन्फोमेन और बैंड सेलेक्ट करने का, यहाँ पे कॉल कनेक्ट डिस्कनेक्ट फीचर, SRC फीचर, ये सारे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ट्यून कर सकते हैं, वॉल्यूम कंट्रोल के बटन है यहाँ पर आपको मिलता है। इस जगह आपको पार्किंग लाइट का बटन मिलता है। और यहाँ पर आपको फैन के जो मोड्स हैं वो मिल जाएंगे, यहाँ से फैन कंट्रोल है, AC ब्लोअर ऑन ऑफ है, यहाँ पे AC इको मोड एक मिलता है AC के लिए, और यहाँ पर देखिए AC का बटन है, यहाँ से एयर फ्लो कंट्रोल है, तो ये मिलता है। और जगह 12 वोल्ट का सॉकेट आपको मिल जाएगा यहाँ पर देखने को, इस तरीके का USB पॉइंट है, ऑक्स केबल पॉइंट भी आपको यहाँ पर मिलता है। जो गियर बॉक्स है देख सकते हैं, 5 गियर बॉक्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, ये लेदर कवर आपको यहाँ पर मिलता है। और यहाँ पर आपको मिलता है स्टोरेज, और इस जगह देख सकते हैं तो जो मिरर के कंट्रोल्स हैं वो चारों आपको बटन यहाँ पर मिलती हैं। ये आपको हैंडब्रेक मिल जाएगा ये ब्लैक बटन के साथ में, तो ये मिलेगी। और तीन कप होल्डर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं गाड़ी में, इस जगह भी आपको स्टोरेज मिलेगा। तो यहाँ लुक देख सकते हैं पूरा इस तरीके का आता है, हैंड ब्रेक है यहाँ पर, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूरा देखने को मिलती हैं। ये आता है इंफोटेनमेंट सिस्टम का पूरा लुक, तो ये देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर देखिए लारी राइट साइड में यहाँ पे लाइट्स के कंट्रोल हैं, लेफ्ट साइड में यहाँ पर वाइपर्स के कंट्रोल आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और ये आता है पूरा लेफ्ट साइड का लुक पूरा डोर का, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके का मिल जाएगा। और ये आता है यहाँ पे ग्लव बॉक्स, तो ये बटन मिलता है, यहाँ से ओपन करते हैं और ये ग्लव बॉक्स का लुक पूरा यहाँ पर देखने को मिल जाता है, इस तरीके का बड़ा सा ग्लव बॉक्स आपको यहाँ पर मिलेगा। और दो एयरबैग आपको मिलेंगे गाड़ी में, ट्विटर देख सकते हैं, तो यहाँ पर एक ये ट्विटर मिलता है और एक वो लेफ्ट साइड में, बोथ साइड में दो ट्विटर आपको मिलते हैं। और यहाँ पर अपर में देख सकते हैं तो ये आपको सन वाइजर मिल जाएगा विथ टिकट होल्डर, और यहाँ पर एक आपको मिलती है लैम्प लाइट, ये मिल जाएगी। और यहाँ पे एक माइक्रोफोन का कंट्रोल मिलता है, लेफ्ट साइड में आपको मिल जाता है वेंटी मिरर के साथ में सनवाइजर, IRVM है, ये आपको मैन्युअली एडजस्टेबल यहाँ पर मिलेगा। तो ये आएगा आगे का जो पूरा लुक है आपको देखने को इस तरीके मिलता है। सीट्स प्रीमियम सीट्स मिलती हैं यहाँ पर इस तरीके की, और ये आपको जो हेडरेस्ट हैं ये आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये आएंगे एडजस्टेबल हेडरेस्ट, बोथ आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। और अभी हम लोग चलते हैं गाड़ी के बैक वाली सीट में और वहाँ पर देखते हैं स्पेस हमको कितना देखने को मिलता है, तो वो हम लोग चेक करते हैं ये बैक वाली सीट में और स्पेस वहाँ पे चेक करते हैं। तो ये लुक देखते हैं, यहाँ पे जो डोर है बैक का ओपन करेंगे और यहाँ पर आएगा पूरा लुक, तो इस तरीके का लुक आ जाता है बैक वाले डोर का आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे पीच कलर का पूरा वर्क मिलता है जो कि टेक्चर में डिज़ाइन है। यहाँ अनलॉक का बटन ब्लैक कलर मिलता है, ग्रैब हैंडल आपको इस तरीके का मिलेगा, और यहाँ पर आपको मिल जाता है मिरर का कंट्रोल, ये पूरी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे बॉटल स्टोरेज मिलता है। और जो आता है इंटीरियर का लुक, तो यहाँ देख सकते हैं ये आपको इंटीरियर का लुक इस तरीके का मिलेगा। सीट्स हैं प्रीमियम सीट्स आपको यहाँ पे मिलेंगी, ये मिलती हैं, और हार्ड टच में आपको सीट्स मिलती हैं स्पोर्टी लुक की वजह से। और यहाँ पे जो हेडरेस्ट हैं बैक में दो आपको मिल जाते हैं एडजस्टेबल हेडरेस्ट, यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पर बैठ कर देखते हैं हम लोग, तो देखते हैं कितना स्पेस हमको मिलता है। तो यहाँ पर जो सीट्स हैं फुली हार्ड टच में सीट्स हैं, और यहाँ पर आप लोग इस तरीके बैठ जाएंगे, ये आपको स्पेस यहाँ पर मिलता है। यहाँ पे बैक में ये कवर है, तो यहाँ पर भी आप लोग कुछ स्टोरेज कर सकते हैं। तो ये लेग रूम आपको मिलता है, सीट्स जब पूरे पीछे हैं इसके बाद स्पेस मिलता है। यहाँ पर भी पूरा ओपन एरिया आपको यहाँ पर मिल जाता है इस तरीके का, तो ये आता है पूरा लुक यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। सीट्स का लुक ये मिलता है और ये पूरा मिल जाएगा। साइड वाला जो डोर है आप देख सकते हैं फिक्स्ड में आपको ग्रैब हैंडल मिलते हैं बोथ साइड में, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ये पूरा लुक आएगा। और अभी हम लोग चलते हैं बैक वाली सीट में और वहाँ पर चेक करते हैं तो वो हमको स्पेस कितना देखने को मिलता है।
तो जो बैक का लुक है यहाँ से देख सकते हैं, ये आता है पूरा बैक का प्रोफाइल। और यहाँ से अभी हम लोग चेक करते हैं अंदर चल के यहाँ पे स्पेस बैक में कितना मिलता है। तो ये जो डोर है आपका देख लीजिए पूरा ओपन हो जाता है, और जो 90 डिग्री में है ये पूरा आपका ओपन होता है। यहाँ से जो आपका है 90 डिग्री पूरा ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे एरिया जो है पूरा ओपन आपको देखने को मिल जाता है, ये पूरा लुक मिलता है। और यहाँ पर देख सकते हैं एक ग्रैब हैंडल मिलता है, अनलॉक की बटन आपको यहाँ पर मिल जाती है, स्पेस है इस जगह आपको मिल जाएगा, ये सीट्स मिल जाती हैं यहाँ पर, और ये स्पोर्टी लुक मिल जाता है। 350 लीटर आपका बूट स्पेस यहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो ये पूरा लुक मिलेगा। और यहाँ पे एक बैग में देखिए ग्रैब हैंडल दिया जाता है जो बैग में बैठते हैं उनके लिए, और एक ये जो है बैग का जो आपका वो है स्टेपनी, उसमें एक ये कवर है, तो वो इसमें आपको इनबिल्टेड मिल जाएगा। तो ये आएगा पूरा लुक यहाँ पर गाड़ी का, और भारी भरकम गाड़ी है यहाँ पर, जो बैग का स्टेपनी है तो देख सकते हैं यहाँ पर ये मिलती है। और ये आता है N8 की यहाँ पर क्रोम फिनिश में बैजिंग, तो ये पूरा लुक आपको देखने को मिलता है। और यहाँ से जो रियर प्रोफाइल है ये आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके का आपको मिल जाता है।